सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रवीण एंड मैं ये आज वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोग सबके साथ में. लाइक एक सिंगल वीडियो नहीं होगा, दिस विल बी अ सीरीज ऑन हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर. बिकॉज बहुत लोग का मेरे पास क्वेरीज आते हैं ऑल ओवर इंडिया से कि सर थोड़ा कैलकुलेटर का सीक्रेट शेयर कर दीजिएगा. तो ये जो मेरे कैलकुलेटर है, शायद हम लोग जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ FX82ES+. सो दिस इज़ अ डेमो वर्जन ऑफ द कैलकुलेटर विच वी आर यूजिंग. बट इसमें फीचर्स सारे हैं, जैसा कि मैं बता पाऊँगा आपको, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं. सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. द पैटर्न ऑफ डूइंग विल ऑल्सो बी द सेम. सो लेट अस बिगिन. आई होप यू लाइक द वीडियो. सो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये आपका कैलकुलेटर का इंटरफेस है जो आप लोग के हाथ में होगा. प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले कैलकुलेटर को अपने हाथ में ले लें. जैसे आप देख पाएंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन 9 × 3 = 27. AC दबा दिया. उसके बाद में अब इसमें मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ. जैसे देखो, 8 का स्क्वायर, आपको एक एक्स स्क्वायर वाला बटन दिख रहा है क्या? एक एक्स स्क्वायर वाला बटन, एक्स स्क्वायर का बटन है, एक्स क्यूब का बटन है, और एक एक्स के पावर में एक बॉक्स सा बनाया हुआ है. सो इन सब का फीचर्स क्या है? जैसे 8² = 64, 8³ = 512. अब जैसे मान लो मेरे को निकालना है 8^5, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा, एक्स के पावर वाला बटन. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको मान लो 8^5 चाहिए, तो आप करोगे 8, फिर आप ये एक्स के पावर में जो बॉक्स वाला बटन आपको दिख रहा होगा, लाइक लॉग के लेफ्ट हैंड साइड में, लॉग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा. सो मैं यहाँ पर 5 टाइप करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर 32768. सो इट्स वेरी इजी टू यूज. एंड जैसे मिल्खा सिंह में एक वो डायलॉग बोलता है, जब वो नंगा पैर दौड़ रहा होता है तो मिल्खा सिंह को बोलता है कि सर मेरे से जूता पहन के नहीं दौड़ा जाएगा. तो फिर वो कोच उसको क्या बोलता है, बोलता है कि आज जो तुम्हें परेशानी लग रही है जूता पहन के दौड़ने में, कल तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी यही बनेगा. तो ये कैलकुलेटर शुरू में आपको यूज़ करने में बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, बट ये बहुत 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 इजी टू गो कैलकुलेटर है जो आपको पूरे एक्चुअल करिकुलम में काम आएगा. सो दिस वॉज एकदम पूरा बेसिक फंक्शंस. इसके बाद में लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिवाइड वाले फंक्शंस कुछ बताता हूँ. लाइक 9 / 5, हंसीएगा मत आंसर देख के, कैलकुलेटर आपको कुछ इस तरीके का आंसर देगा, 9/5. वाह. लेकिन यहां पर आप देख पा रहे होंगे एम प्लस के, एम प्लस दबाना नहीं है, दबाना नहीं है, एम प्लस के लेफ्ट में एक बटन होगा SD बोल के, एम प्लस के लेफ्ट में एक बटन होगा SD बोल के. आप इसको दबाएंगे, देखिए आपको आंसर देगा, वो आपको डेसिमल में आंसर देगा. सो ये जो SD वाला जो बटन है, इसको मैं कॉन्स्टेंटली देखिए प्रेस कर रहा हूं, तो वो क्या हो रहा है, फ्रैक्शन डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल, खेलिएगा मत. तो फ्रैक्शन डेसिमल इस तरीके से वी कैन कन्वर्ट. सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. अब जैसे मान लो SD, मैं एक बार और प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ आपको. 6/5 इक्वल टू, दबाएंगे तो कैलकुलेटर आपको नॉर्मल में कुछ इस तरीके का आंसर देगा, विच इज 6/5. आपको ये जो SG वाला बटन है, आपको इसको दबाना है. देखो इसको मैं फिक्स करके भी आपको दिखा सकता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. हम लोग सारा फीचर्स आराम से सीखेंगे, इत्मीनान से सीखेंगे. ये जो कैलकुलेटर है, इसमें हम लोग वैल्यूज को स्टोर भी कर सकते हैं. हाँ, स्टोर भी कर सकते हैं. अब जैसे आपको दिख रहे होंगे, कुछ आपके नॉर्मल बटन्स में लिखा हुआ है, कुछ ऊपर में येलो में लिखा हुआ है, और कुछ रेड में लिखा हुआ है. शिफ्ट दबा के जब बटन दबाएंगे तो येलो वाला आएगा, अल्फा दबा के जब बटन दबाएंगे तो लाल वाला आएगा. मैं बोलना चाहता हूँ, शिफ्ट दबा के, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोड वाला बटन है, मोड वाला ऑन के लेफ्ट में, ऑन के लेफ्ट में एक मोड वाला बटन है. तो मोड जैसे देखिए, ये आपका यहाँ पर मैंने सिंपल मोड दबाया तो आया है COMP स्टैट टेबल. हम लोग सारा चीज़ सीखेंगे धीरे धीरे करके, बट मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, शिफ्ट मोड, तो देखिए अलग चीज़ आ रहा है. तो अगर आपको कोई भी येलो वाला बटन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के वो बटन दबाएंगे. और अगर आपको कोई भी रेड वाला बटन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अल्फा दबा के वो बटन दबाएंगे. तो अब जैसे ये जो फ्रैक्शन डेसिमल का आपको अवॉइड करना है, और आपको इसको, आपको एक बार में सारा जो आंसर है अगर आपको डेसिमल में चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप शिफ्ट दबा के मोड दबाना, शिफ्ट दबा के मोड दबाना. अब आप यहां पर देख पा रहे हो MTH लाइन आपका, ये आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है,
मैं आपको पहला वाला दिखाता हूँ. मैंने वन प्रेस किया तो आई एंटर इनटू द एमटीएच मोड. उसके अंदर में मेरे को दो चीज दिखा रहा है. मैथ का मतलब क्या होता है वो आपको आंसर देगा फ्रैक्शन में, एंड लाइन का मतलब क्या होता है वो आपको आंसर देगा डेसिमल में. फॉर एग्जांपल, मेरे को वैसा फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, मेरे को जितना भी सारा आंसर चाहिए दैट शुड बी इन डेसिमल्स. तो मैं क्या करूंगा, दो दबा दूंगा. मैंने दो दबा दिया. अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूं. देखिए, 9 divided by 5 1.8. तो कल तक जो फ्रैक्शन था आज वो क्या हो गया है, डेसिमल्स. सो इट्स वेरी इजी टू यूज. एक और प्रॉब्लम जो आपको यूज करते वक्त आएगा, फॉर एग्जांपल 7 divided by 6. अब देखो, ये देखो क्या हो रहा है, इतना सारा डेसिमल्स आ रहा है. मेरे को इसको फिक्स करना है. लाइक जो लोग मेरे से पढ़ते हैं, फिर जो लोग कहीं से भी पढ़ते हैं, हमारा क्या है कि CM1 CM2 में कैलकुलेशंस में हम लोग बहुत ज्यादा मतलब वो है, स्ट्रिक्ट है. तो कैलकुलेशन शुड बी इन 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस. बट जब हम लोग CS1 CS2 करते हैं, तो जैसे CM1 CM2 में जनरली मैं एडवाइस करता हूँ कि 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस में रखना, एंड CS1 CS2 में वी टेंड टू कीप इट टू 3 डेसिमल प्लेसेस. ओके, तो अभी जो आप देख पा रहे हैं, मैं एक बार गिनता हूँ, मेरे को गिनने में 1 सेकेंड लगेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं. मैंने डेसिमल के बाद में 9 डिजिट्स आ रहे हैं. मेरे को इसको करना है 5 डेसिमल्स में मेरे को आंसर चाहिए. तो कैसे करेंगे, देखिए, मैंने एसी दबा दिया, मैंने शिफ्ट दबा के मोड दबाया. आपको दिख रहा है फिक्स वाला बटन दिख रहा है? रुक जाइए, मेरे संग संग रहिएगा, दबाइएगा मत. दिस नॉट धमाल गोइंग ऑन. जहां पर वो लोग बोलते हैं लाल बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था, तो मेरे संग संग चलिएगा. तो आप 6 में फिक्स देख रहे हैं, अब आप 6 को दबाइए. कैलकुलेटर आपसे बातें कर रहा है, कैलकुलेटर पूछ रहा है क्या फिक्स करूं, 0 से लेके 9 तक में क्या फिक्स करूं. मैं बोलता हूं कैलकुलेटर 6 फिक्स कर दो. मैंने 6 दबाया और मैंने 6 दबा दिया और अब मैंने एसी दबा दिया. ठीक है, मैंने 6 फिक्स कर दिया है. अब देखिएगा करिश्मा, 7 divided by 6. अब देखिए, दिस इज द मैजिक ऑफ दिस कैलकुलेटर, हाउ टू फिक्स. सर बाकी सारे फंक्शन नहीं बताएंगे क्या? बाकी अपने काम का नहीं है. तो ये है फिक्स. इसके बाद में अब जैसे यहां पर आपको आप देख पा रहे होंगे आपके कैलकुलेटर के राइट में, दबाइएगा मत, सुनिएगा बस, लॉग है और एलएन है. लॉग है और एलएन है. तो लॉग का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं. जब मैं लॉग करता हूं, फॉर एग्जांपल 10, तो इसका आंसर आता है 1. मतलब लॉग का मतलब क्या है, बेस में है 10. एंड एलएन का मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिदम. नेचुरल लॉगरिदम मैं यहां पर मारता हूं एलएन, फॉर एग्जांपल 2. तो एलएन का मतलब क्या होता है, लॉग का बेस में ई. एंड पूरे एक्चुअल करिकुलम में 1% ऑफ द टाइम वी नीड द बटन लॉग एक्सक्लूसिवली. अगर मान लो लॉग में मैं तो कभी यूज ही नहीं किया लॉग, हमेशा मैंने एलएन यूज किया है. तो लॉग वाला बटन तो कभी दबाना ही नहीं है, लॉग वाला बटन तो कभी प्रेस ही नहीं करना, हमेशा इट्स नेचुरल लॉग. तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मान लो एलएन मेरे को करना है, एलएन 7/6 मेरे को करना है, एलएन 7/6. तो देखिए, मैंने एलएन किया, मैंने 7 दबाया. मेरे आगे मत बढ़िएगा, एबीएस के नीचे एक बटन है, एबीएस नहीं, एबीएस के नीचे एक बटन है जिसमें आपको दिख रहा है एक बॉक्स बनाया हुआ है, फिर डिवाइड है, फिर एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसको दबाइए. देखिए, ये कैलकुलेटर इतना यूजफुल है कि आप पूरा एकदम इसमें बड़ा बड़ा इक्वेशंस एक बार में सॉल्व कर सकते हैं. 7 divided by 6, फिर 4 एरो बटन्स होते हैं, एक राइट, लेफ्ट, अप, डाउन. मैं राइट वाला दबाऊंगा तो मैं देखो ऊपर आ जाऊंगा. राइट वाला एरो बटन दबाया तो मैं ऊपर आ गया. अब मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, मैं आंसर के लिए इक्वल टू दबाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा. इफ यू आर डूइंग CM1 देन यू कैन फिक्स योर डिजिट्स. तो आपको बार बार ना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फ्रैक्शन आएगा. आपको गुस्सा भी, मेरे को तो कभी कभी गुस्सा भी आता था कि यार ये 7/6 करे तो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 7/6, क्या मतलब वाला बात. तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं डेसिमल्स में. एंड हाउ टू
चेंज फ्रॉम फ्रैक्शन टू योर डेसिमल मोड. तो ये चीज था. सो ये सारे बेसिक फीचर्स थे. अब जैसे डिवाइड का कितना बढ़िया सिस्टम है इसमें देखिए, 15 डिवाइडेड बाय 8 अभी आ रहा है ना, 15 डिवाइड बाय 8. अब मैं एस डी वाला बटन दबाऊंगा तो देखिए आ जाएगा. सो ये डिवाइड वाला कैसे आता है सिंबल, एबीएस के नीचे में एक जो बटन है लाइक 85 डिवाइडेड बाय 5 इट्स कमिंग टू 17. क्लियर? तो ये कुछ कुछ फीचर्स हैं. फॉर नेक्स्ट वीडियो यू कैन फॉलो माई चैनल, वी विल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. थैंक यू.